हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको हमने बोला था कि क्या कराएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कराएंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या कवर कर लिया है, नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया आपको, जनरल इंट्रोडक्शन के साथ में वीडियो दी थी आपको मैंने, एल्डिहाइड्स कैसे बनाने हैं वो सिखा दिया, कीटोन्स कैसे बनाने हैं वो सिखा दिया। अब हम ज़रा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। इसे मैं नोट्स में से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हेडिंग वाइज करके नहीं दिखाया। इसे पहले नोट्स में से पढ़ते हैं, फिर जो बुक में से पढ़ने का होगा उसे बुक से दिखाएंगे। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं रीड आउट करूँगा तो आप समझ लेना। कुछ नहीं समझ में आता तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या लिखा है। कहीं पर कुछ लिखा हुआ समझ में नहीं आता अगर, तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड विच इज़ अ गैस आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर एल्डिहाइड्स, सिर्फ फॉर्मल एल्डिहाइड को अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो जनरली कैसे रहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड्स में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी सब तो आपको जनरली लिक्विड्स ही मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर्मल एल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड क्या है? एक गैस है। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद, लोअर कीटोन्स आर कलरलेस लिक्विड्स। कीटोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। लोअर का मतलब क्या होता है? जो इनिशियली हैं, स्टार्टिंग में, सब आप बोलो कि प्रोपेनोन हो गया, ब्यूटेनोन हो गया, इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं, लोअर कीटोन्स जो हैं वो कलरलेस लिक्विड्स हैं लेकिन उनकी प्लेजेंट स्मेल होती है। हायर मेम्ब्रेन्स जो हैं वो कलरलेस सॉलिड्स हैं। तो लोअर कीटोन्स कलरलेस लिक्विड हैं और हायर मेम्बर जो हैं वो कलरलेस सॉलिड्स हैं। एरोमेटिक कीटोन्स आर यूजुअली सॉलिड विद प्लेजेंट स्मेल। और एरोमेटिक कीटोन्स का मतलब समझ गए होगे सब, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पे क्या अटैच है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। जैसे आपको मैं बोलूं कि ये था आपके पास में बेंजीन था, यहाँ बेंजीन से इस तरीके से कुछ बॉन्ड थे, ये हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका क्या, बेंजेनोन बन जाएगा। और इसका यही एग्जाम्पल है इसका, एरोमेटिक कीटोन का। तो इस तरीके का कोई भी कीटोन है तो उसकी वो भी यूजुअली सॉलिड ही होगा और उसके साथ में उसकी प्लेजेंट स्मेल भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं फिर बॉइलिंग पॉइंट। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट पर क्वेश्चन आते हैं भाई करने के लिए। एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स, अगर सेम मॉलिकुलर मास के और कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के कंपेयर करें तो। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों? क्योंकि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनके पास में एक पोलर कार्बोनिल ग्रुप है, पोलर कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि उनके बीच में कुछ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने के लिए मिलता है ये दीज डाइपोल इंटरेक्शन आगे नहीं है सेंटेंस में, इतना ही। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको कि बॉइलिंग पॉइंट अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का कंपेयर करोगे किससे, उसी के कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हाइड्रोकार्बन से। फॉर एग्जांपल मैंने बोला प्रोपेनोल, प्रोपेनोन और प्रोपेन, इन तीनों में अगर कंपेयर करने के लिए बोलूं बॉइलिंग पॉइंट तो एल्डिहाइड यानी कि प्रोपेनोल और कीटोन यानी कि प्रोपेनोन, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जो आपका हाइड्रोकार्बन था प्रोपेन उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि प्रोपेन में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं जबकि प्रोपेनोल और प्रोपेनोन में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने के लिए मिलती हैं, बिकॉज दीज कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि इनके पास में पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो बात समझ में आई होगी बॉइलिंग पॉइंट की। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे, होमवर्क में करके लाइएगा आप उस क्वेश्चन को। सॉल्युबिलिटी देखते हैं नेक्स्ट। द लोअर मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कितने लोअर मेम्ब्रेन, अप टू 4 कार्बन, आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर मेम्ब्रेन की बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की, यानी कि 4 कार्बन तक के अगर मेम्बर हैं तो वो पानी के अंदर घुल जाते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल हैं। इट इज़ ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों है, ये तो सब आप जानते ही होंगे कि वो कंपाउंड पानी के अंदर घुल जाते हैं जो कंपाउंड पानी के साथ में न्यू बॉन्ड बना सके। जो कंपाउंड के साथ में, जो पानी के साथ में घुलने के बाद में या पानी में डालने के बाद में नए बॉन्ड नहीं बनाएगा तो वो क्या नहीं बोलेंगे हम उसे, ये नहीं बोल सकते कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है। तो ये पानी के अंदर घुल जाते हैं क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी है कि वाटर के अंदर डालने के बाद में क्या बना लेते हैं, नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि सिर्फ लोअर मेम्बर्स ही सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर। अगर आप 10 कार्बन वाला 8 कार्बन वाला कंपाउंड ले आओगे कोई भी, सपोज करो मैंने आपसे बोला हेप्टेनल,
हेप्टेनल पानी के अंदर घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर जाके न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा, न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा वहाँ पे, इसीलिए वो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन पोलर पार्ट इन द मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बना पाता वो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर कौन सा है, जो आपका एल्काइल ग्रुप का पार्ट है, उसका साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी कि जो पोलैरिटी में डिफरेंस था उतना वो नहीं रहता। नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। अगर मैं बात करूँ RCHO है तो इसमें पोलर पोलैरिटी तो सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ये तो नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट जब तक छोटा है, यानी कि 3-4 कार्बन तक है, तब तक तो ये सॉल्युबल है। लेकिन अगर ये नॉन पोलर पार्ट का साइज़ बढ़ता चला जाएगा, ये 7 कार्बन 8 कार्बन हो जाएंगे, तो नॉन पोलर पार्ट ज़्यादा हो गया, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो पहले थी वो वीक हो चुकी है, नए हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा पानी पे डालने में, और नए हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे तो पानी के अंदर नहीं घुलेगा। तो कोई मेरे से बोलेगा कि क्या हेक्सेनोन वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो हम बोलेंगे नहीं। रीज़न क्या देंगे? क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका नॉन पोलर कैरेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। ये बात आ गई होंगी आपको समझ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई दिक्कत रही हो तो कमेंट करिएगा, यहाँ से ही नोट कर लेनी है आपको। यहाँ पर मैं वीडियो बीच में रुकता हूँ, जितनी देर एक्सप्लेन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। बच्चे कमेंट करते हैं कि PDF। अगर PDF का लिंक प्रोवाइड नहीं भी होता है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी, तो आप यहाँ से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो आराम से, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। केमिकल रिएक्शन के लिए मैं NCERT से चलता हूँ, NCERT से पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन, समझाते हैं वहाँ से क्या क्या रिएक्शन हैं, कैसे कैसे हैं। चलिए इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करें, बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, तो हमारा प्राइम मोटिव बनता है उस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अभी बताया था मैंने कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किससे? आपका किसी भी कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के हाइड्रोकार्बन से। ये बात हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, और एल्कोहल चैप्टर में ये पढ़ा था कि एल्कोहल के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, तो उनका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता था। एल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ा था ना आपने, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता था, फिनॉल का होता था, फिर एल्कोहल का होता था, वो सब बातें पढ़ी हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे जो कंपेयर करने के लिए दिया है, पहले तो मैं कार्बन देख लेता हूँ सब में। देखो 4, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, मतलब 4-4 कार्बन है, तो लगभग मॉलिक्यूलर मास इनका कैसा होगा, कंपेरेबल होगा। तो अब आपको सिर्फ सिंपल ऑर्डर के बिहाफ पे अरेंज कर देने हैं ये चीज़ें। सबसे पहले तो देखो मैं सबसे ज़्यादा वाला ढूंढ लेता हूँ, ज़्यादा वाला सबसे मुझे पता है कि एक अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। तो ये जो है कि ब्यूटेनॉल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा, ये बात क्लियर। सबसे कम किसका होगा? ये जो आपके पास में हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है? ये एल्केन, ये एल्केन, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो इसका इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस हैं। बचा क्या? एक ईथर बचा आपके पास में और एक एल्डिहाइड बचा आपके पास में। ईथर हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ईथर में भी पढ़ा था कि हमने कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं, और एल्डिहाइड में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं, लेकिन एल्डिहाइड के पास में ज़्यादा पोलैरिटी है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन थोड़ी स्ट्रॉन्गर होती है ड्यू टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप अभी नीचे समझेंगे। कार्बोनिल ग्रुप होने की वजह से इसके पास में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो पोलैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो आप इससे क्वेश्चन से ये भी समझ सकते हो या याद रख सकते हो कि अगर एल्डिहाइड और ईथर में कभी भी आपको कंपैरिजन करने के लिए आएगा, तो आप एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा लगाओगे और ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम रखोगे। बताइए समझ? चलें आगे, एक और क्वेश्चन है इंटेक्स्ट का है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पर है, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। अरेंज करेंगे आप इसको और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे सेंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट किस तरीके से करोगे आप ऑर्डर को? देखो ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डी बी सी ए बी सी डी बी सी ए डी जैसा भी है वैसा आप लगा दीजिएगा,